हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। गिव द हेडिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम क्या कहते हैं, एसी। एसी तो जब हम ईएमआई पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था एसी जनरेटर। ओके, तो एसी जनरेटर से हमको जो वोल्टेज मिलती थी, डेट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, ई नॉट की जो वैल्यू थी, ई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज एंड इट्स वैल्यू इज एन ए बी ओमेगा। क्लियर बच्चों? तो ये जो वोल्टेज हमको मिला इसको कहते हैं एसी वोल्टेज, और इसको हम ग्राफ में इस तरह से दिखाते हैं। ये आपका एसी वोल्टेज है, ये टाइम का ग्राफ है, ये ई का ग्राफ है। क्लियर? तो इसके साथ में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, दैट इज टी, वन टाइम पीरियड है। एंगल होते हैं, दैट इज योर पाई, दिस इज टू पाई, इट्स नॉट इट। ओके, फ्रीक्वेंसी होती है, इट हैज फ्रीक्वेंसी। बना लेंगे, हो गया बच्चों? इसी तरह से सिमिलरली वी कैन राइट करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा इज टू पाई एफ और इक्वल्स टू टू पाई बाई टी। ओके बच्चों, सो दैट इज टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा। ओके, और हाफ टाइम पीरियड टी बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। तो और जो फ्रीक्वेंसी हमको इंडिया में मिलता है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़। ओके, एंड जो वोल्टेज हमको सप्लाई वोल्टेज जो मिलता है, दैट इज सप्लाई वोल्टेज में लिख रहा हूँ 220 वोल्ट। तो एसी करंट और एसी वोल्टेज को हम कॉस में भी लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। वी कैन राइट आइदर कॉस और साइन, बिकॉज दिस साइन फंक्शन इज पीरियोडिक एंड कॉस फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक। ओके, दैट इज साइन थीटा का ग्राफ है, ये कोस थीटा का ग्राफ है। क्लियर है बच्चों? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, हो गया? तो अब बच्चों, जैसे कि एसी करंट, एसी वोल्टेज जो हमको सप्लाई मिलता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, लाइक दैट। ओके, हमेशा बना रहे हैं आपको समझाने के लिए ईएमएफ। तो वन सेकंड में, दैट इज वन सेकंड, वन सेकंड में ये इस तरह से अप एंड डाउन करता है, राइट? 50 टाइम्स पॉजिटिव हाफ, 50 टाइम्स निगेटिव हाफ, वन सेकेंड में 100 टाइम्स अप एंड डाउन करता है। आवर एसी साइकिल, आवर एसी करंट और एसी वोल्टेज इन वन सेकेंड हाउ मच, 100 टाइम्स अप एंड डाउन करता है। इसलिए हमको ये फिगर जो हमको दिखाई देगी, ये बीच वाली पोर्शन जो है, ये हमको ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाई देगी, कांस्टेंट, राइट? और ऊपर में हमको ये इस तरह से दिखाई देगी। अगर हम इसको सब फीलिंग करें, तो हम महसूस करें, तो इस तरह से कुछ हमको एसी वोल्टेज, एसी करंट दिखाई देगी। ओके, तो इसमें हम बात करें, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ वन साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ वन साइकिल। तो अगर हम वन साइकिल बनाएंगे, ये वन साइकिल हो गया, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज, ये पॉजिटिव हाफ हो गया, ये निगेटिव हाफ हो गया,
तो पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ जब हम एवरेज निकालेंगे तो इट इज़ ज़ीरो। ओके, तो एसी में हम एवरेज वैल्यू की बात नहीं करते, करते हैं ओनली फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए हम एवरेज बात करते हैं। तो व्हाट एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू इन केस ऑफ एसी इज़ ओनली फॉर हाफ साइकिल, नॉट फॉर फुल साइकिल, बिकॉज फॉर फुल साइकिल इट विल बी ज़ीरो। नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, व्हाट इज मीन वैल्यू, कैसे हम डिफाइन करेंगे, हाउ वी डिफाइन मीन वैल्यू ऑफ एसी। फुल साइकिल के लिए तो जीरो होता है, तो वी डिफाइन फॉर हाफ साइकिल। हाउ वी डिफाइन, इट इज डिफाइन फॉर हाफ साइकिल एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट इन द हाफ साइकिल एज इज सेंट बाय एसी थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। तो मीन वैल्यू ऑफ एसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ओनली फॉर हाफ साइकिल, वो इसको हम स्टेडी करंट मान लेते हैं, राइट, वी एज्यूम इट एज ए स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का वो वैल्यू ना व्हिच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वो पास करेगा थ्रू ए सर्किट इन हाफ हाफ साइकिल एज इज सेंट बाय एसी थ्रू सेम सर्किट इन द सेम साइन इन द सेम टाइम। क्लियर बच्चों? तो जैसे एसी है ना, एसी है तो राइट, फॉर दिस इज एसी, दिस इज एसी। फुल साइकिल के लिए तो हम जीरो मान लेते हैं, भाई जीरो होगा ही इसका एवरेज। हाफ साइकिल के लिए हम मानेंगे वो स्टेडी करंट, राइट, वो स्टेडी करंट व्हिच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन हाफ साइकिल एज इज सेंट बाय द एसी थ्रू द सेम सर्किट इन सेम टाइम। क्लियर बच्चों? नोट इट डाउन। तो बच्चों लेट आई इज द एसी करंट, हम ऐसा लिखते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट हो गई। ओके, देन योर चार्ज इन टाइम डी टी, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज लेट डी क्यू इज द चार्ज, लेट डी क्यू इज द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम, फ्लोइंग इन टाइम डी टी सपोज। तो देयरफॉर योर डी क्यू का वैल्यू क्या होगी, दैट इज आई इन टू डी टी, ये हो जाएगी, राइट। भाई एसी करंट को हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो एंड सपोज डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम डी टी, राइट, तो डी क्यू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू आई इन टू डी टी। तो टोटल चार्ज फॉर हाफ साइकिल, टोटल चार्ज, क्यू मीन्स टोटल चार्ज, ओके, टोटल चार्ज फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए टोटल चार्ज क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू, यही तो होगी, राइट। नाउ पुट द वैल्यू, सो क्यू इक्वल्स टू आई, मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू। ओके बच्चों, सो क्यू इक्वल्स टू आई नॉट हम बाहर ले सकते हैं, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बाई ओमेगा। क्लियर बच्चों? एंड लिमिट आप पुट कर देंगे, दैट इज जीरो टू टी बाई टू। नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यू बराबर आई नॉट, माइनस भी ले लेते हैं, आई नॉट बाई ओमेगा बाहर निकाल लिए, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा स्मॉल टी की जगह हम लिखेंगे टी बाई टू, फिर माइनस लगा के कॉस ऑफ ज़ीरो इस तरह से, तो क्यू इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा, दैट इज योर टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा होता है, तो पाई इक्वल्स टू ओमेगा टी बाई टू हो जाएगा, तो ओमेगा टी बाई टू की जगह हम पाई लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ
0 like that. So Q equals to I naught by omega. Cos pi means minus 1, minus यहाँ पे है, ये भी minus 1, okay, तो cos 0 is also 1, cos pi is minus 1. So it will be minus minus 2 हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो Q equals to 2 I naught by omega. ये हो जाएगी. Charge, total charge passing in the half cycle. Total charge passing in the half cycle. Okay. Also, total charge passing in the half cycle, we can write Q equals to, that is, charge क्या होता है? Current into time. तो current, अगर हम mean current मान लें, I mean into time T by 2, ये होगा, right? This is equation number 1, this is equation number 2. Clear बच्चों? Also, Q equals to mean time, mean current, okay, for a half cycle into time T by 2. तो दोनों को अगर equate कर दें, if we equate both them, then we get, that is your I mean equals to, okay, I mean into T by 2 equals to 2 I naught by omega, no? So I mean equals to mean current equals to कितना हो जाएगा बच्चों? That is how much? Can you tell me? Solve it. I mean निकालना, या divide हो जाएगा 2 I naught by omega divided by into by 2 by T. Note it down. Okay बच्चों, हो गया? तो सॉल्व इट. तो I mean इक्वल्स टू 2 I naught by omega. omega का वैल्यू 2 pi by T होता है बच्चों. तो 2 pi by T मतलब ऊपर का चला गया T into 2 by T, इस तरह से आएगा, राइट ना? तो T कैंसिल हो गया, राइट? और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 by pi I naught, ये आपका एवरेज वैल्यू है फॉर हाफ साइकिल. 2 by pi I naught, please note it down. Okay, so that iska value aa jayega 0.637 times of I naught. Isi tarah se bachcho agar hum isko integrate karte from T by 2 to T, na ye tha na, ye tha, ye aise tha. To humne 0 to T by 2 integrate kiya, right? To yahan pe jo mean value aayi, mean value of current, राइट? हमने इसको क्या मान लिया? एक स्टेडी करंट मान लिया. एक स्टेडी करंट मान के ये इमेजिन किया कि ये उतना मतलब चार्ज सप्लाई करेगा जितना कि एसी सप्लाई करेगा सेम सर्किट में सेम टाइम में. तो आई हैव इंटीग्रेटेड, दैट इज जो भी चार्ज है डी क्यू मान के मैंने किया, डी क्यू दैट इज आई इंटू टाइम डी टी एंड देन इंटीग्रेशन. तो That is your this much. अगर हम इसको इंटीग्रेट करते फ्रॉम T by 2 to T, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो ये वैल्यू आती मेरी -0.637 I naught. तो एवरेज इस 0 फॉर फुल साइकिल, एवरेज इस 0. क्लियर? तो एसी में आपको याद रखना है कि फुल साइकिल के लिए एवरेज 0 होता है, हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं. तो हाफ साइकिल का जो एवरेज है दैट इज योर 2 by pi और 6.0637 और हम इसको 63.7% ऑफ I naught भी कहते हैं. ओके, I naught का I naught मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू. ये जो पीक वैल्यू है इसको I naught कहते हैं. ये I naught हो जाएगा इसका 63.7% जो भी है, दैट इज द मीन वैल्यू. इसको कहते हैं मीन वैल्यू. क्लियर बच्चों? ओके, इसी तरह से हम वोल्टेज में भी कहते हैं, दैट इज योर, अगर वोल्टेज की बात करें एसी वोल्टेज. ओके, एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज में भी हम इसी तरह से करेंगे. ई दैट इज मीन वोल्टेज, मीन एसी का मीन वोल्टेज, दैट इज योर, यही सेम आएगा 2 बाई पाई ऑफ ई नोट आएगा, मीन्स में पीक वैल्यू का 2 बाई पाई, मीन्स 63.7%. ओके, तो चाहे
डीसी मतलब डीसी तो बैटरी होता है राइट, इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, नो फ्रीक्वेंसी, ये प्लस ये माइनस। एसी में क्या होता है, एसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसी का रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज जो इंडिया में हमको मिलती है राइट। और जहाँ तक एवरेज की बात है तो फुल साइकिल के लिए 0, हाफ के लिए 2/π। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को मेरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।